कतर कोर्ट ने स्वीकार की भारत की अर्जी। भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों की याचिका स्वीकार। मौत की सजा पाए पूर्व नेवी अफसरों को राहत की उम्मीद। 24 नवंबर की सुबह कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नेवी अफसरों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है, क्योंकि कतर की कोर्ट ने भारत की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कतर की कोर्ट जल्द ही उनकी अपील पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने ये याचिका दायर की है। कतर की अदालत ने 23 नवंबर 2023 को इसे स्वीकार कर लिया और अब अपील का अध्ययन कर जल्द इस पर सुनवाई शुरू करेगी। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पिछले महीने 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने सभी 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि इन सभी 8 पूर्व अफसरों को गिरफ्तारी के कई दिनों तक इस मामले को गुप्त रखा गया और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने इस पूर्व अफसरों से मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2022 को पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया। 25 मार्च 2023 को सभी 8 पूर्व अफसरों के खिलाफ आरोप तय किए गए। 29 मार्च 2023 से मुकदमा शुरू हो गया। 26 अक्टूबर 2023 को सभी को मौत की सजा सुनाई गई। नौसेना के जिन पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा दी गई है, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पुरेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश हैं। बता दें कि जिस कंपनी देहरा ग्लोबल के लिए ये भारतीय काम करते थे, उसके CEO खामिल अल आजमी ओमान एयरफोर्स के अफसर रह चुके हैं। आजमी को भी पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। कतर की न्यूज़ वेबसाइट अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पूर्व अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इसराइल को देने का आरोप है। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार के साथ साझा नहीं की गई है। बहरहाल कतर कोर्ट से राहत की खबर मिलने के बाद न सिर्फ सभी भारतीय बल्कि मौत की सजा पाए सभी 8 पूर्व अफसरों के परिजनों के लिए राहत की एक उम्मीद जगी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।